और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बता दें। कनाडा में गैंगस्टर सुखा की हत्या, खालिस्तानियों का मददगार था सुखा। दुने के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कनाडा में गैंगस्टर सुखा की हत्या कर दी है। खालिस्तानियों का मददगार था सुखा और अब जहां खालिस्तान और खालिस्तान के हिमायतियों हमदर्दों को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों के अंदर खटास का दौर चल रहा है, उसी बीच एक और घटना हुई है जिसके अंदर कनाडा में गैंगस्टर सुखा की हत्या हुई है। भारत लगातार कनाडा को इस बात के लिए आगाह कर रहा है, चेता रहा है कि कनाडा खालिस्तानियों और संगठित अपराधियों का गढ़ बन रहा है, वहां किस तरीके से ये तमाम जो तत्व हैं वो पनाह लेकर बैठे हुए हैं। और अब ये खबर सामने आ रही है कि कनाडा में गैंगस्टर सुखा की हत्या हुई है, खालिस्तानियों का मददगार था सुखा दुने के और अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था गैंगस्टर सुखा। ये तस्वीर गैंगस्टर सुखा की तस्वीर है, सुखा दुने के जिसकी हत्या हो गई है, खालिस्तानियों का मददगार था सुखा। और लगातार बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जहां कनाडा के अंदर मौजूद संगठित अपराधी किस तरीके से उनके बीच में गैंगवॉर भी चल रही है, इसकी भी रिपोर्ट सामने आई थी और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था गैंगस्टर सुखा। और अब ये खबर सामने आ रही है कि गैंगस्टर सुखा दुनेके की हत्या हुई है, हालांकि अज्ञात हमलावरों का शक जताया जा रहा है, अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है इस हत्या के पीछे। लेकिन जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शक की सुई भारत की तरफ कनाडा घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। और ऐसे में अगर खालिस्तानियों का मददगार सुखा मारा जाता है तो माना जा रहा है कि इसके बाद ये मामला और तूल पकड़ सकता है। हालांकि अभी किसी भी तरीके की कोई जानकारी कनाडा की तरफ से आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई है।